छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत बालोद प्रवास पर जाते समय धमतरी जिले के ग्राम संबलपुर पहुंचे, जहां पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष निशु चंद्राकर ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने निशु चंद्राकर के नवीन कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत बालोद जिला के राजा राव पठार में आयोजित वीर मेला में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, और तभी मीडिया चर्चा के दौरान चरणदास महंत ने कहा कि धरती का असली मालिक आदिवासी है, हम तो बाहर से आकर बसे हैं और इसीलिए आदिवासियों की उन्नति तरक्की होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने देश में जातिगत जनगणना का समर्थन किया और कहा कि हमारी सरकार आने पर हम जातिगत जनगणना जरूर कराएंगे। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। विश्व में, भारत में या कहीं भी अगर इस धरती का असली मालिक है तो आदिवासी है। हम लोग बाहर से आके बसे हैं और उनका जो रहन सहन को हम लोग संस्कृति को प्रभावित कर रहे हैं। अभी उनको चाहिए, उनने अगर ये मांग की है कि हमारी संस्कृति को, हमारे धरोहर को, हम लोगों को सुरक्षित रखना चाहिए, ये आदिवासी समाज के लिए सहज मांग है, सहज बात है। उनको अपने समाज की जागृति आवश्यक है, उनको हमारे आगे वाले आने वाले समाज और बेहतर ढंग से काम कर सके, शिक्षा के क्षेत्र में, खेतीबाड़ी के क्षेत्र में, तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम सब लोग मिलजुल के, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया है कि हमारे यहाँ अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग सब लोग एक हैं, उस हिसाब से इस देश में आदिवासियों की भी उन्नति होनी चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, उनका भी आचार व्यवहार सुरक्षित होना चाहिए, उनको भी व्यापार में, व्यवसाय में हिस्सा मिलना चाहिए। अगर इसके लिए वो लोग प्रयास कर रहे हैं तो मैं प्रशंसा करूँगा।